अगर आपको कुछ अलग तरीके का फ्लेवरफुल हलवा खाना अच्छा लगता है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, ये आपको बहुत पसंद आएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कश्यप्स किचन चैनल। आज हम बनाएंगे पाइनएप्पल हलवा, जिसे बनाना बहुत आसान है और इसका टेस्ट काफ़ी लाजवाब होता है। इसे बना के आप अपने घर के किसी भी मेनू किचन पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सबको बहुत अच्छी लगेगी। तो रेसिपी को पूरा ज़रूर देखिए और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसे बनाने के लिए हमें दो तरीके से पाइनएप्पल को यूज़ करना है, तो एक को तो मैंने फाइनली चॉप कर लिया है और एक की हमने प्यूरी बना ली है। तो इस तरह से पाइनएप्पल आपको इजीली मिल जाएगा मार्केट में, ये देखिए। तो यहाँ पे आधा कप मैंने फाइनली चॉप पाइनएप्पल लिया है और आधा कप मैंने प्यूरी तैयार कर ली है। इस तरह से उसे सिर्फ ग्राइंड कर लीजिए तो इस तरह से प्यूरी बन जाती है, पानी ऐड करने की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम सिरप बनाएंगे, जिसके लिए एक सॉस पैन में एक टेबल स्पून घी ऐड किया मैंने और जो पाइनएप्पल हमने चॉप करके रखा था वो ऐड कर देंगे। अब इसे हमें मीडियम फ्लेम पे तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से जो पानी रिलीज़ हो रहा है वो पूरी तरह से सूख ना जाए। ये देखिए, इस तरह से पानी ये रिलीज़ करता है, तो इसे हमें पूरी तरह से सुखा लेना है। तो बीच बीच में चलाते हुए फिर अच्छी तरह से पानी को सुखा लिया है। जैसे ही पानी सूख जाएगा हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप चीनी। चीनी को हमें तब तक मिक्स करते हुए पाइनएप्पल के साथ पकाना है जब तक कि चीनी मेल्ट ना हो जाए। ये काम हम मीडियम फ्लेम पे करेंगे। आप देखेंगे कि एक से डेढ़ मिनट के अंदर ही चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा। ये देखिए, जैसे ही चीनी पिघल जाए पूरी तरह से तब हम इसमें एक कप पानी ऐड कर देंगे। पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे गैस का फ्लेम हमें हाई कर देना है ताकि जल्दी से इसमें बॉयल आ जाएगा। इस स्टेज पर आप इसमें फूड कलर ऐड कर सकते हैं, जिससे हलवा का कलर काफ़ी ब्राइट आता है। आप चाहें तो इसे पूरी तरह से स्किप भी कर सकते हैं, इसे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, बस लुक वाइज ये बहुत सुंदर लगता है देखने में। तो यहाँ पे मैंने ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है, लगभग 4 ड्रॉप है, और सबको अच्छी तरह से मिला लिया है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना अच्छा ब्राइट कलर आ गया है, ये देखिए। ये चाशनी हमें बहुत गाढ़ी नहीं करनी होती है, कंसिस्टेंसी बिल्कुल पतली रहती है इसकी। तो यहाँ पर बॉयल आ गया है, जैसे ही बॉयल आ जाए हम इसमें ऐड करेंगे 1 पिंच नमक। नमक बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, ये हलवे के मिठास को और उसकी खटास को बैलेंस करेगा। पाइनएप्पल में हल्की सी खटास भी होती है, इन सबको नमक बैलेंस करेगा। तो लगभग 1 पिंच इसमें नमक ज़रूर ऐड कीजिए, सबको मिला लेंगे अच्छी तरह से। और यहाँ पे हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में, जिसमें हमें सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स को घी रोस्ट करना है। तो जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने काजू, किशमिश और थोड़ा सा पिस्ता ले लिया है। ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून घी पैन में और सबसे पहले इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। जैसे ही किशमिश फ्लफ होने लगे तब हम सारे ड्राई फ्रूट्स को निकाल देंगे। तो ये देखिए, सब कुछ अच्छी तरह से भून चुका है और इस तरह से हमें इसे फ्राई कर लेना है। अब सेम पैन में ऐड करेंगे हम आधा कप सूजी और इसे हमें लो फ्लेम पे तब तक भूनना है जब तक इनका कलर हल्का सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। 3 से 4 मिनट के बाद आप देखेंगे कि सूजी में से घी अलग हो जाएगा, तब आप समझ जाइए कि सूजी भुन चुका है और बहुत अच्छी खुशबू आती है इससे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं घी अलग हो चुका है। तो इस स्टेज पे हम इसमें पाइनएप्पल प्यूरी ऐड कर देंगे और इसे हमें मिलाते हुए तब तक भूनना है जब तक ये ड्राई ना हो जाए। इस तरीके से पाइनएप्पल को ऐड करने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। मार्केट में ये हलवा मिलता है तो उसमें वो पाइनएप्पल एसेंस ऐड करते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपको एसेंस ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए, अच्छी तरह से ये ड्राई हो चुका है। तो अब हमने जो चाशनी बना के तैयार की थी वो ऐड कर देंगे और इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इसे भी तब तक हम भूनेंगे जब तक ये पूरी तरह से ड्राई ना हो जाए। तो ये हलवा बनाना बहुत आसान है, लेकिन इसका फ्लेवर काफ़ी यूनिक होता है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो 2 से 3 मिनट के बाद ये हल्का सा जब ड्राई होने लगेगा तब हम इसमें घी ऐड करेंगे। ऊपर से घी डालना इसमें बहुत ज़रूरी है, तो उसे बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पे 2 से 3 चम्मच तक घी आप ऐड कर दीजिए और हमने जो ड्राई फ्रूट को घी रोस्ट किया था वो भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए और भून लेंगे, थोड़ा सा और ड्राई करेंगे इसे, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है जब आप इसे बनाएंगे तो आप फील करेंगे। तो बहुत ही लाजवाब हलवा बनके तैयार हुआ है। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे आप गर्मा गर्म सर्व कीजिए, हल्का सा ठंडा करके भी कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। अलग होने के साथ साथ इसका फ्लेवर भी बहुत पसंद आएगा आपको। तो ये देखिए कितना अच्छा बना है हलवा, बिल्कुल दानेदार। तो इस रेसिपी को बिल्कुल इसी तरह से ट्राई ज़रूर कीजिएगा, उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी।
रेसिपी का इंग्रेडिएंट्स लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मेरी बाकी बनाई रेसिपीज़ को देखने के लिए स्क्रीन पे दिए लिंक्स पे क्लिक कीजिए और उसे भी लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए स्टे हेल्थी, स्टे ब्लेस्ड।